अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहिना असलम और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चटपटे शलजम। कैसे बनाते हैं मसालेदार चटपटे शलजम। इसके लिए आपको सबसे पहले शलजम को इस तरीके से कट कर लेना है। देखें, इस तरीके से आपने कट कर लेना है और हाफ कप ऑयल लेना है। इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, थोड़ा सा सौते करके ज़ीरे को। फिर इसके अंदर हम ये गोल मिर्च है हमारे पास, लाल गोल मिर्च, इसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल में। ये चॉप हुआ हुआ लहसुन है, इसे थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। एक दरमियानी प्याज को आपने बारीक चॉप कर लेना है, इसे भी इसके अंदर हम ब्राउन करेंगे। अंदर हम ये हरी मिर्च ऐड करेंगे, दो अदद हरी मिर्चों को आपने कट कर लेना है, वो ऐड करनी है इसके अंदर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ये शलजम है कट करके रखे हुए थे हमने, ये ऐड कर देंगे। और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, एक अदर टमाटर को आपने बारीक कट कर लेना है, वो ऐड करने हैं। और अब इसके अंदर हमारे पास ये लाल मिर्च पाउडर है 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हमारे पास 1/2 टीस्पून है, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च हमारे पास है 1/2 टीस्पून। ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इन सबको मिक्स करेंगे। देखिए, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गए हैं। और फिर हम इसे ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए ताकि शलजम जो है गल जाए। अब चेक करेंगे, ये देखें शलजम जो है थोड़े बहुत गल चुके हैं, मसाला भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे ताकि थोड़े सा और ये अच्छी तरह से पक जाए। फिर इसे हम डिश आउट करके दिखाएँगे। तो मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार शलजम की रेसिपी जो है वो तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।